हमारे सभी रहबर, हमारे सभी संत, ये हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां छोड़ करके गए हैं, वो जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर ठीक ऐसे हैं जैसे बेटी की जिम्मेदारी होती है, जैसे अपने बच्चों की जिम्मेदारी होती है। सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भर लेना, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का गुजारा कर लेना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी का भी तो परिवार था, मान्यवर साहब काशीराम जी का भी तो परिवार था। इतिहास गवाह है, अगर हम उठा करके देखें इतिहास को, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी चार चार औलादें कुर्बानी की है। किसके लिए? हमारे लिए। मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपना घर छोड़ दिया, अपना बार छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, पूरे देश में जो हमारी कौम टुकड़ों में बटी हुई थी, उनको एक एकजुट करने का प्रयास किया। आज वही कारवा तो हम आप बढ़ा करके लेकर के चल रहे हैं, साथ में लेकर के चल रहे हैं। आज इस कारवा को जरूरत है हम सबके जज्बे की, हम सबके जोश की, हम सबकी लगन की। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में अगर मेरा पेट भर गया ना, मुझे पड़ोसी से मतलब नहीं होगा कि भूखा है या उसके पेट में खाना है कि नहीं है। जबकि सच्चा समाज सेवक वह है, सच्चा हितेशी वह है, सच्चा पड़ोसी वो है जो अपने साथ में अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखे। और वो मुमकिन कब होगा? वो मुमकिन जब होगा, मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था, बैलेट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, इस ताकत को मजबूत करना होगा। जब मान्यवर साहब काशीराम जी कह गए, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कह गए कि सत्ता ही मास्टर पूंजी है, अगर आप राजनीति में नहीं आएंगे तो अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर शासन करेगा। और आज वही वक्त है, ये व्यवस्था परिवर्तन की तो जो लड़ाई है किसने दी है? ये मान्यवर साहब काशीराम जी ने दी है। एक से एक बढ़ के मेरे बुद्धिजीवी साथी, मेरे युवा साथी जो एटम बम के बराबर की ताकत रखते हैं, मेरे प्रिय बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद हमारे सिर पर हमेशा रहता है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, ये आने वाली पीढ़ी है। हमें युवा साथियों को इतना बढ़िया मिशन दे दिया, यहां तक कि उन्होंने राजनीति के मायने भी समझा दिए। तो मेरे हिसाब से ये नहीं देखना चाहिए, मैं अपने मेरे प्रिय बुजुर्ग हैं, मैं उनसे भी, बाकी हम तो समाज के साथी हैं, जहां अड़ाओगे वहां अड़ जाएंगे, जहां लड़ाओगे वहां लड़ जाएंगे, जहां भिड़ाओगे वहां भिड़ जाएंगे, चाहे धरती पलटनी हो और चाहे आसमान फाड़ना हो। अपने साथ के जो है उनकी जिम्मेदारियां भी पूरी करना, ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। और जो परिवर्तन की लड़ाई है शुरुआत से होती है, और वो शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। जटीकरा गांव शेरों का गांव है, और मुझे इतना पूरा भरोसा है कि मेरी बात को गिरने नहीं दिया। कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में।